नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्टा फीड में। मैं श्रीता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ खास खबरों के साथ। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर रफ्तार से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 2,27,051 हो गई है। उधर देश में लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शुक्रवार को बताया कि 4 जून को 1,39,485 से टेस्ट हुए, जो अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह अलग आंकड़े दिए हैं। इसके मुताबिक 24 घंटों में 9,851 मामले सामने आए हैं और 273 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ देश में अब तक 2,26,770 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 1,10,960 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 1,09,462 ठीक हो चुके हैं और 6,348 की अब तक मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को निर्देश, 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं। प्रवासी मजदूरों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो करना चाहते हैं वह आपको बताएंगे। हम सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय देंगे। सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। प्रवासियों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। कोरोना वायरस के कारण मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई नई स्कीम। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त नजर आ रही है। इस वजह से राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, सरकार का खर्च भी बढ़ा है। इस हालात का असर सरकार की नई योजनाओं पर भी पड़ने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न विभागों द्वारा अलग 9 महीने या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। गुजरात में एक और कांग्रेस विधायक का इस्तीफा। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं और बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रजेश मेरजा है। ब्रजेश मेरजा ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया है। गर्भवती हथनी की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। केरल में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पता चला है कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो खेतों में काम करता है और एक दिन पहले हथनी की मौत की जांच कर रही केरल की वन विभाग की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया था। मामले में जांच के आदेश देने के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि जांच टीमों की नजर तीनों संदिग्ध पर है। विजयन ने घटना में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग दोषियों को कड़ा दंड देने की मांग कर रहे हैं। देश दुनिया में ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टा फीड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंस्टा फीड।